वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके शानदार प्लेटफॉर्म यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। मैं डॉक्टर संजय कुमार आपके लिए फिर से तैयार हूँ हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में विशेष तौर पर आप पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल और जो उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से सारी बातें समझ पा रहे होंगे और बेहतर तरीके से अपने नोट्स भी बना पा रहे होंगे। हालांकि कुछ बच्चों को मैं लगातार बात करते हुए देखता हूं तो थोड़ी सी निराशा होती है, कभी कभी मैं डांट भी देता हूं, लेकिन चलिए आपकी अपनी मर्जी, आप अपने हिसाब से चलिए, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मैं अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखूँगा। संतोष इस बात का मुझे होगा कि कोई बच्चा यह नहीं कह सके कि YouTube पर जो क्लासेस होती है वो पूरी नहीं होती है और पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं बातें आती है या फिर आपको विशेष और भी सहायता की ज़रूरत होती है। एज ए टीचर मेरा यह फ़र्ज बनता है और एज ए कोचिंग आइडा 24/7 का भी यह फ़र्ज बनता है कि आपके लिए, फ़र्ज नहीं बनता है, उनका तो फ़र्ज है ही या वो इस चीज़ को पूरा कर ही रहे हैं कि आपके लिए बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर अरेंज की जाए। ठीक है बच्चे, मैं एक बार सबसे देख लेता हूँ कौन बच्चे उपस्थित हैं और फिर मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा। कुछ भी कहना होगा तो आप कह देंगे। और यहाँ पर PDF कहाँ पर मिलती है, न्यूज़ बुलेटिन जी, मैं अभी बताता हूँ। हर्ष विजय जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, न्यूज़ बुलेटिन को PDF नहीं मिला है। गरिमा सिंह और रॉयल पांडे जी, आपका भी स्वागत है। सारिका, जितेंद्र जी, गरिमा, न्यूज़ बुलेटिन, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुरुदत्त जी, पवन जी, सपना, और चलिए इतना है। न्यूज़ बुलेटिन ने पूछा कि आपका कि PDF कहाँ मिलता है, तो ऑफिशियल चैनल आपका है ISPCSY UPSC अड्डा 24/7। वहाँ पर आपको क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद आपको PDF अवेलेबल हो जाता है। वैसे भी जहाँ मैं क्लास को शेयर करता हूँ वहाँ पर भी, अन्य चैनल पर भी, जैसे कुछ चैनल होते हैं जो आपसे टॉकिंग के लिए बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी PDF अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो PDF अवेलेबल होगा वह ISPCSY UPSC अड्डा 24/7 पर अवेलेबल हो जाता है। वहाँ पर आप जाकर के अभी जुड़ जाइए और आप देखेंगे कि एक घंटे के अंदर आपको वहाँ पर PDF जो मैं हाथ से लिख करके पढ़ाता हूँ वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, यह मैं बिल्कुल ख्याल रखता हूँ। वैसे तो आपको प्रयास करना चाहिए कि मेरे साथ ही क्लास में लिखें। अगर मेरे साथ क्लास में लिखते हैं तो दो बातें होंगी, एक तो आपका नोट्स बनाने में अतिरिक्त समय नहीं लगेगा क्योंकि पहले आपने क्लास को देखा, फिर आप घर में बैठ करके उसी क्लास के आधार पर नोट्स बनाएंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना आप मतलब एक तरह से बेकार का समय आप गंवा रहे होंगे। सबसे अच्छी बात है कि मेरे साथ बनिए। एक फायदा जो हिडन आपका हो जाएगा, जो आपको हो सकता है कि लगे कि घाटा मेरे लिए हो रहा है, कि आप आपस में बातचीत करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि आपका ध्यान जब लिखने और समझने पर होगा तो आपस की बातचीत भी बंद हो जाएगी। आपस की बातचीत बंद हो गई तो आपका जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है YouTube पर वर्चुअल दुनिया में, वह भी आपका नहीं होगा, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। मनीष राठौर, पारुल, सत्तू जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चिंटी, मनीष राठौर जी, मनीष राठौर, हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल। और आपका 1 तारीख से मैं आपको बिल्कुल सूचना देने वाला हूं कि जो अड्डा 24/7 पर भी आपका हिस्ट्री ऑप्शनल मैं शुरू करने वाला हूं। बाकी आप संपर्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं मुझसे, आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। प्लान ये है कि आपका आपके ही चैनल पर, जिस चैनल पर मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पर ही पेड कोर्स के रूप में हिस्ट्री ऑप्शनल को लाया जाए। फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री ऑप्शनल, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें आपकी जिम्मेवारी तय नहीं होती है, कुछ पैसा लेना आपसे ज़रूरी होता है ताकि आपकी जिम्मेवारी तय हो सके और आपके प्रति मैं भी जिम्मेवार हो सकूं। इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा कि यहाँ पर पैसा कमा करके अरबपति बनने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। UPSC IAS प्री और मेंस के लिए आपके लिए गुरुकुल बैच लाया गया है और गुरुकुल बैच में अगर Y529 जैसे कोड को आप डाल देते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप 77% यहाँ पर ऑफ पा देते हैं, 77% ऑफ मिल जाता है आपका Y529 जैसे कोड के माध्यम से। और यह आपका एक बेहतरीन क्लास होने वाला है। इसमें क्या फीचर्स होंगे मैं आपको बताता हूं। केवल 11,499 में पूरे साल का कोर्स आपको मिल जाता है और यहां पर जो आपको मिलने वाला है यह कोड आप यूज करेंगे तो मिलेगा 900+ hours की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, गेट प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग
जो करवाया जाता है वह आपको इसी कोर्स के साथ इंक्लूड मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या बच्चों को आंसर राइटिंग की ही आ रही है, कहीं पर भी हेल्प नहीं मिल पा रहा है। आप खुद महसूस करते होंगे, सीसेट मिल जाता है और यह सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच हो जाएगा जिसमें सारे टीचर जो भी टॉप के होंगे वो सभी इसमें पढ़ाने के लिए आएंगे। कुछ सेलेक्टेड लोग भी होंगे जो कि एसए और एथिक्स में आपकी सहायता कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे बायलिंगुअल में आपका एक और प्रीमियम बैच लाया गया है जिसमें कि आप 1-to-1 गाइडलाइन प्राप्त करते हैं, यूपीएससी सीएससी प्रीमियम महापैक। यह क्या है? महापैक है जिसमें कि ऑलरेडी गुरुकुल भी शामिल हो जाएगा। यह आपके लिए प्रीमियम बैच इसलिए है कि यह 1-to-1 गाइडलाइन आपको दे रहा होता है। आप चाहें तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपके लिए 18 से 20 से 22 क्लासेस ऐसी अरेंज की जाती है जिसमें अपने एजुकेटर से सवाल को पूछते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैक आपके लिए हो जाता है। चलिए, बात हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और आज लास्ट फेज इसका होगा। थोड़ा सा जल्दी देखेंगे क्योंकि आज जो आप हेडिंग देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद थोड़े से फिर से हम पीपीटी को लेंगे क्योंकि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको कि हमें जल्दी से जल्दी देखना चाहिए। यह तो मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ पेज आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला भी दे दूंगा जो पीपीटी के माध्यम से होगा, उसको आप अपडेट कर लीजिएगा और देन फिर मैं ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा जिसको कि आप कर्नाटका युद्ध कहते हैं उससे क्लास की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से कि मैंने कल इंड किया हुआ था। कल जहां तक मुझे याद है कि जहां तक मैंने इंड किया हुआ था उसमें आपका 1660 तक यहां पर बातें हुई थी। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का वेरी गुड मॉर्निंग। यहां पर जो 1660 है उस तक बात हुई थी। अब बात करते हैं 1661 से लेकर के 61 से 1680 ईस्वी तक की घटना को देखते हैं। इस दौरान क्या हो गया? जब आप सेल में बांटते हैं इंफॉर्मेशन को तो सेल में बांटने के कारण क्या होता है कि आपके लिए वैसे इंफॉर्मेशन को कैच करना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। सेल का मतलब होता है इस प्रकार से सेल। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से सेल बना रहे हैं इंफॉर्मेशन का। इसको हमने देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, तो इसके दौरान जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है उसको कैच करने में, याद करने में, रिकॉल करने में आपके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप इस को महसूस कर रहे होंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? एक सेल का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि 1661 से लेकर के 1680 के बीच में कंपनी की कैसी कैसी गतिविधि रही भारत के अंदर और भारत के बाहर। भारत के बाहर का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार भी तो कंपनी के प्रति अलग अलग समय पर अलग अलग नजरिया अपनाती रही है। और यह अब दशक शुरू होने वाला है तब, जबकि उसमें एक नए कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की तरफ ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होंगे, या कह सकते हैं कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति की तरफ कदम उठाना शुरू करेगा। जब कदम उठाना शुरू करेगा तो उसका कंपनी की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, अनिवार्य रूप से पड़ेगा, लेकिन यह हमें 18वीं सदी में जाकर के बेहतर तरीके से नजर आएगा। लेकिन शुरुआत तो पहले ही हो जाती है, तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। एक यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। यहां पर क्या होता है, 1661 एक वर्ष आता है जब आप देखेंगे कि पुर्तगाल और ब्रिटेन में वैवाहिक संबंध हो जाता है। 1661 में क्या होता है, पुर्तगाली राजकुमारी या प्रिंसेस कह दीजिए, कुमारी यहां पर कैथरीन ब्रिगेंजा का क्या होता है, ब्रिगेंजा का विवाह हो जाता है ब्रिटिश सम्राट से हो जाता है, का विवाह यहां पर ब्रिटिश शासक से हो जाता है जो था चार्ल्स द्वितीय। विवाह ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय से होता है, चार्ल्स सेकेंड से होता है। इस उपलक्ष में क्या होगा, होता है इस उपलक्ष में पुर्तगाल द्वारा क्या कर दिया जाता है, पुर्तगाल द्वारा भारत स्थित मुंबई का टापू ब्रिटिशों को दहेज स्वरूप दे दिया जाता है। टापू ब्रिटिश सरकार को
ब्रिटिश क्राउन को क्या होता है, क्राउन को उपहार स्वरूप दे दिया जाता है, उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। अब ये समझिएगा कि यहां पर जो कंपनी है, जैसे का पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे, उसने यहां पर बंबई जैसे टापू को आबाद करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अब चूंकि वैवाहिक संबंध हो रहा है, और उससे पहले ही हमने देखा था मैड्रिड की संधि में पुर्तगाली और ब्रिटेन साथ मिलकर के व्यापार करने के लिए तैयार हुए थे, तो यहां अब क्या होता है कि उसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए वैवाहिक संबंध भी स्थापित होता है। और वैवाहिक संबंध के बाद बंबई का टापू, उस समय तो बंबई कहा जाता था, मैंने यहां पर मुंबई लिख दिया है ताकि आप जुड़ पाए, क्योंकि उस हो सकता है कि उसमें ब्रिटिशों के आगमन से पहले उसे मुंबई ही कहा जाता रहा होगा। तो चार्ल्स द्वितीय से होता है, और इस उपलक्ष्य में पुर्तगाल द्वारा बंबई स्थित भारत स्थित मुंबई का टापू क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन को उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। यहां पर बहुत पहले मुझे याद है, चूंकि मैं लगातार इस एग्जाम के पैटर्न से जुड़ा हुआ रहा हूं, मुझे याद है कि एक बार प्रश्न यही पूछ दिया था पीसीएस में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछ लिया था कि ब्रिटिशों को बंबई कैसे प्राप्त हुआ था, युद्ध के द्वारा, उपहार के द्वारा, या दहेज के द्वारा, इस प्रकार से यहां पर विजय के द्वारा, इस प्रकार से चार पांच ऑप्शन बनाकर के पूछ लिए गए थे। यहां पर उपहार होगा, वहां तो खैर शब्द दहेज का यानी डौरी शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहां मैं डौरी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डौरी शब्द जो होता है, दहेज शब्द जो होता है, वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसमें भी हिंदू समाज में ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। वह शब्द जो दहेज है, वह हिंदू समुदाय से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है, इसलिए मैंने वहां पर उपहार स्वरूप लिख दिया है, शब्द को मैंने परिवर्तित कर दिया है। लेकिन आप समझिएगा, शादियों में जो उपहार दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दहेज ही कहते हैं। तो उपलक्ष्य में पुर्तगाल द्वारा भारत स्थित मुंबई का टापू ब्रिटिश क्राउन को उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। लेकिन बंबई के जो क्राउन थे, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो क्या करता है बंबई का टापू रख करके, इसलिए क्या कहता है, चार्ल्स सेकंड ने मुंबई का टापू क्या होता है, का द्वीप किसको दे दिया, द्वीप 1668 में कंपनी को दे दिया, कंपनी को एक पट्टे पर दे दिया, एक पट्टे पर हस्तांतरित कर दिया। पट्टे पर क्या होता है, पट्टे के आधार पर हस्तांतरित कर दिया, और इसके लिए हस्तांतरित कर दिया, केवल 10,000 रुपये में यह हस्तांतरित कर दिया गया था, हस्तांतरित कर दिया गया। कब होता है, हस्तांतरित कर दिया, और आगे चल करके यह क्या होता है, सूरत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस कालखंड की बात करें, 1668 की बात करें, तो ब्रिटिश जो कंपनी होगी वह कहां मजबूत स्थिति में होगी, बंबई से ठीक ऊपर सूरत में, जो आप सूरत बंदरगाह देखते हैं गुजरात में स्थित है, वहां पर अभी बहुत मजबूत स्थिति में बनी हुई थी। लेकिन जब बंबई पर अधिकार होता है, बंबई कंपनी के पास आ जाता है, तो सूरत को छोड़ करके बंबई पर इसने अपना आधिपत्य किया, और बंबई को अपना एक तरह से मुख्यालय भी बना लिया, और बंबई को सजाने का, संवारने का, या वहां पर किला बनाने का, या उसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वह दिया जाता है यहां पर गेराल्ट ओंगियार को दिया जाता है। मैं उसको भी नाम लिखा देता हूं, यहां पर आप लिख चुके होंगे, पुर्तगाल क्राउन को उपहार, ब्रिटिश क्राउन को उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। चार्ल्स सेकंड ने मुंबई का द्वीप 1668 में कंपनी को एक पट्टे पर हस्तांतरित कर दिया। अब यह बंबई कहां किसके पास आ गया, यहां पर कंपनी के पास आ गया। कंपनी एक साधारण सी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश शेयरधारकों के द्वारा बनाई गई कंपनी है। यह सब बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। यहां पर हमने क्या देखा कि 1669 में क्या होता है, यहां पर गेराल्ट ओंगियार को क्या होता है, ओंगियार कुछ भी आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसका स्पेलिंग अलग हो जाएगा, इसके लिए मत समझिएगा कि दूसरी जगह कुछ लिखा हुआ है, यहां कुछ लिखा हुआ है। तो यह सिर्फ समझने की बात है कि हिंदी और इंग्लिश वाले में प्रोनंसिएशन हमारा अलग अलग हो जाता है, उच्चारण अलग अलग हो जाता है। यहां पर क्या होगा, गेराल्ट ओंगियार रहता है 1667 से 1678 तक क्या होता है, बंबई का प्रथम गवर्नर बनता है और आधुनिक बंबई बनता है। आधुनिक बंबई बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है,
बसाने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है, बसाने का श्रेय इसी को दिया जाता है, इसी को दिया जाता है। अभी क्या हो रहा है, अभी जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी कहीं पर भी शक्ति अपना स्थापित नहीं कर पाई थी, यानी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही यहां पर व्यापार कर रही थी। इसलिए आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था उपनिवेशवाद के तीनों चरण अलग अलग होते हैं। अभी वाणिज्यवादी चरण चल रहा है, तो वाणिज्यवादी चरण में कंपनी क्या करेगा, भारत से सामान को कलेक्ट करेगा और ब्रिटेन या यूरोप या अमेरिका जाकर के बेचेगा और कुछ नहीं करेगा। इसी क्रम में उसको थोड़े से हेल्प की जरूरत होती है कि जब कंपनी शासक से चुंगी मुक्त व्यापार की छूट पा लेगा या अपने फैक्ट्री को मजबूत बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए उसकी किलेबंदी करने की इजाजत प्राप्त कर लेगा। बंबई क्या है, प्राकृतिक टापू पर बसा हुआ द्वीप है, एक प्राकृतिक टापू पर बसा हुआ शहर है। इसको शहर बनाने का श्रेय गेराल्ड ओंगयार को जाता है। सबसे पहले इसी ने यहां पर बंबई की संरचना की, बंबई में नगरीकरण की संरचना की और इसको महान संस्थापक बना जाता है। और यहां पर क्या होता है, ब्रिटिशों ने सोने तथा चांदी को ढालने के लिए, चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए, सिक्कों को ढालने के लिए क्या करता है, ढालने के लिए मिंट की स्थापना करता है, ढालने के लिए मिंट यानी टकसाल की स्थापना किया था। ब्रिटिशों ने सोने तथा चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की थी। यहीं पर ब्रिटिशों ने टकसाल बनाया था। टकसाल का मतलब मिंट होता है। पहले क्या होता है, जैसे कि सोना और चांदी हम प्राप्त करते हैं तो सोना और चांदी को ढेले के रूप में तो नहीं कर सकते हैं प्रयोग। प्राचीन भारत में देखेंगे तो एक ढेले के रूप में या अविकसित आकृति में आप देखते हैं कि सिक्कों का प्रचलन होता है। उन सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे, आहत सिक्के कहते थे, पंच मार्क क्वाइन कहते थे। लेकिन आधुनिक काल में सिक्कों का निर्माण होने लगा। अंग्रेज सोना चांदी लाते थे ब्रिटेन से, लेकिन उसको एक धातु के रूप में लाते थे और उसका क्वाइंस बना करके यहाँ पर व्यापारिक जो गतिविधियां होती है उसका संचालन करते थे। तो क्वाइंस कहाँ बनाया जाएगा, तो यहाँ पर बंबई में बनाने की घोषणा की गई। यहीं पर टकसाल यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ये घटना हो रही है 1660 से लेकर के 1670 के बीच में। यही घटना आपको प्रमुखता से मिलती है, ठीक है। हाँ, मिंटिंग ऑफ क्वाइल, बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल पबजी, आपने 100% सभी बातों को इंटरलिंक कर दिया। क्या मेरे कहने पर क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे? नहीं, आपको ये आते ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब यूपीएससी ने आपको, यूपीएससी अड्डा 24/7 ने आपको दिया है फ्री में क्लास, तो आप उसकी भी हेल्प करेंगे, क्योंकि एक व्यापक पैमाने पर छात्रों तक पहुंच बनाने का भी एक उद्देश्य होता है। एक बार क्लास को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे फटाफट। यहीं पर ब्रिटिशों ने सोने तथा चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए टकसाल यानी मिंट की स्थापना की थी, ताकि सिक्कों को बनाया जा सके और उन सिक्कों के माध्यम से सरलता से व्यापार किया जा सके। इस बीच में देखेंगे 1660 से लेकर के 1680 के बीच में तो केवल यही घटना आपको मुख्यतः नजर आएगी, इससे ज्यादा नहीं नजर आएगी। आप इसको इस तरह से दशकवार अगर बांट देंगे मेरी तरह, जैसा कि मैंने बताया है, तो आपके फायदा क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से इसको यहां पर लिख पाएंगे। अब एक और दशक देखते हैं, यहां पर 1681 से लेकर के 1700 का देखते हैं, 1681 से 1700 का दशक देखते हैं, 1700 का दशक यहां देखते हैं कंपनी के लिए कैसा रहा। और यह दशक जो होगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। 1700 के बाद देखेंगे कंपनी की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज होने लगी पहले की तुलना में। पहले 100 साल में कंपनी थोड़ा सा स्लो चल रही थी, क्योंकि अभी उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, प्लस नए प्रकार की प्रशासनिक संरचनाओं का निर्माण भी करना था। लेकिन 1700 के बाद यानी 18वीं सदी आते ही कंपनी बहुत तेज यहां पर गतिविधि होने लगती है। यहां क्या होता है कि देखिए, यहां पर होता है 1688 में, क्या होता है 88 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको इंटरलिंक कर दिया। यहां पर क्या होता है कि इंग्लैंड में क्रांति होती है, क्या होता है में इंग्लैंड में क्या होती है, इंग्लैंड में एक राजनीतिक क्रांति होती है, राजनीतिक क्रांति होती है जिसमें क्या होगा, क्रांति होती है जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था को, जिसमें क्या होता है, जिसमें राजतंत्र पर,
राजतंत्र पर लोकतंत्र को हावी होने का मौका मिलता है, लोकतंत्र को हावी होने का मौका मिलता है, जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, होने का मौका मिलता है। अब अगर लोकतंत्र यहां पर आएगा या प्रचलित तंत्र समाप्त होगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगर पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, जैसा कि आपने देखा कि कंपनी के एकाधिकार को शाश्वत बना दिया गया था 9 साल के बाद ही, जब कंपनी को मिला था 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी का मिला था यहां पर आदेश पत्र कि भाई आप 15 साल तक पूर्वी विश्व से व्यापार कीजिए, तो 1609 में जाते ही देखते हैं कि उसका अधिकार यह शाश्वत बना दिया गया था, 15 वर्ष नहीं बल्कि फॉर एवर के लिए बना दिया गया था, और वही व्यवस्था अभी चल रही थी। लेकिन कंपनी को फिर से एक संकट का सामना करना पड़ेगा, जबकि एक गौरवपूर्ण क्रांति हो जाती है, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहते हैं कि रक्तहीन क्रांति होती है, यानी क्रांति का शब्द तो यूज किया गया है लेकिन वहां पर कोई हिंसा नहीं होती है। तो हिंसा नहीं होगी, क्रांति होती है, लेकिन यह क्रांति इस रूप में थी कि ब्रिटेन में एक प्रकार से संसदीय राजतंत्र को प्रभावी होने का मौका मिल जाता है, एक तरह से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था राजतंत्र पर हावी हो जाता है। तो भाई जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हो रही है और जिसने आश्वासन कंपनी को दिया था कि तुम्हारा अधिकार शाश्वत रहेगा, वह शासन ही समाप्त हो गया, अब तो नए शासक आएंगे और नए प्रकार की व्यवस्था वहां पर लागू होगी। कंपनी के लिए यह बहुत बड़ा समय था। और यहां पर क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहां पर विलियम थर्ड शासक बनता है। इस क्रांति के पश्चात, इस क्रांति के उपरांत क्या होता है, क्रांति के उपरांत निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। देखेंगे कैसा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा समझिएगा। यह मत समझिएगा कि मैं विश्व इतिहास पढ़ाने लगा, वैसे भी आपको विश्व इतिहास पढ़ना है, अगर यहां बातें ये दिमाग में बैठ जाएंगी तो जब मैं विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा वहां पर समझना। समझिएगा कि इस दशक में क्या होता है, 1688 में एक क्रांति होती है और वहां पर लोकतंत्र को हावी होने का मौका मिलता है। कैसे, यहां पर देखेंगे कि शासक के रूप में किसको होता है, रूप में विलियम थर्ड तथा मेरी को सत्ता प्राप्त होता है। मेरी को यहां पर क्या हो जाएगा, सत्ता प्राप्त हो जाता है। राजनीतिक पार्टी के तौर पर हुइग पार्टी को सत्ता प्राप्त होती है। और हुइग पार्टी क्या है, जिस पर उद्योगपतियों का प्रभाव है। हुइग पार्टी कौन है, उद्योगपतियों पर इसका प्रभाव है, उद्योगपतियों का इस पर प्रभाव है। जब वैसी पार्टी यहां पर बन जाती है, हुइग पार्टी इसको कहते हैं, हुइग पार्टी जब यहां सत्ता में आएगी, जिस पर उद्योगपतियों का प्रभाव होगा या अन्य पूंजीपतियों का प्रभाव होगा, तो वह क्या होगा कि जो वर्तमान सत्ता, वर्तमान पार्टी है, वर्तमान जो कंपनी है, उसके अस्तित्व पर यहां पर संकट उत्पन्न होना तय है। ये दोनों जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो इस कंपनी का जो अभी तक भारत में व्यापार कर रही थी, इसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं बचता है, और फलतः यहां पर एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। और राजनीतिक निर्णय लेने का मतलब यह होता है कि यहां पर क्या होता है, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम हो जाता है कि यहां पर कंपनी का, इसका परिणाम होता है, परिणाम हुआ कि, हुआ कि कंपनी कंपनी के विश कंपनी के पूर्वी क्षेत्र से व्यापार करने के अधिकार पर क्या होता है, व्यापार करने के शाश्वत अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, अधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब एक कॉम्प्लिकेशन समझिएगा कि यहां पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब भारतीय इतिहास को आप पढ़ते हैं,
अक्सर आप पढ़ते ही, वहां पर एक वर्ष आपको याद होता है, मेरी बात समझ लीजिएगा फिर आप लिखिएगा। एक वर्ष पढ़ते हैं 1813 ईस्वी, 1813 ईस्वी को हमने यह पढ़ा हुआ है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत के साथ व्यापार करने का समाप्त कर दिया जाता है, यह हमने पढ़ा है। और फाइनली 1833 में जाकर के जो चीन और अफीम के व्यापार पर एकाधिकार था वह भी फाइनली समाप्त हो जाता है। लेकिन गौर कीजिएगा कि यहां पर जानकारी थोड़ी सी लैक है, यानी थोड़ी सी कम जानकारी हमें दी जाती है। जब तक हमें यह नहीं पता था कि जब वहां व्हिग पार्टी आती है और कंपनी के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, तो तब तक हम यही मानते हैं कि 1813 ईस्वी में यहां पर कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त हुआ। हुआ यूं कि 1688 ईस्वी में जब क्रांति हुई तो कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कुछ नई कंपनियां स्थापित हो गई, वह भी भारत के साथ व्यापार करने लगी। लेकिन कुछ ही साल के बाद, 2-3 सालों के बाद ही क्या होता है, वह कंपनी अपने अस्तित्व को बरकरार नहीं रख सकी और उस कंपनी का विलय, जो पूर्ववर्ती कंपनी थी, पहली कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, उस पर हो जाता है। तो एक प्रकार से तीन कंपनी बनी और तीनों कंपनी मिल करके एक हो गया, तो विशेषाधिकार जो खत्म होना था वो बरकरार ही रह गया, कोई नई कंपनी है नहीं, तीन कंपनी बनी थी लेकिन तीनों मिलकर के एक हो गया, तो विशेषाधिकार समाप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में, तो कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त कब हुआ था, तो उसको हम 1813 लगाते हैं, ना कि 1688 लगाते हैं। लेकिन एक झटका कंपनी को 1688 में ही प्राप्त हो गया था जब वहां पर एक क्रांति होती है। यहां पर क्या होता है, शाश्वत अधिकार समाप्त हो जाता है और इसके तुरंत बाद क्या होता है, इसमें तुरंत यहां पर हो जाता है, कर दिया जाता है, इसके तुरंत पश्चात ब्रिटेन में एक नई कंपनी जिसका नाम ही था न्यू कंपनी स्थापित हो जाती है ताकि यहां पर पूर्वी क्षेत्र से व्यापार किया जा सके। लेकिन कंपनी की स्थापना अलग चीज है, व्यापार करना अलग चीज है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सफल वहां पर होंगे ही होंगे, यहां पर आवश्यक नहीं है कि यह सफल होगा ही होगा। और इसके साथ ही क्या होता है कि 1694 ईस्वी में और भी देखेंगे, 1694 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव पर दो अन्य कंपनी भी स्थापित होती है। दो अन्य कंपनी भी स्थापित होती है जिसका नाम आप समझिएगा, मैं सारा जो कच्चा चिट्ठा था ना वो मैंने आपको खोल करके रख दिया क्योंकि अब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। पहला था, यहां पर क्या हो जाएगा, दो अन्य कंपनी भी स्थापित होती है जिनमें पहला था आपका जनरल सोसाइटी, पहला क्या होगा वह हो जाएगा जनरल सोसाइटी नामक कंपनी थी सोसाइटी, और दूसरी कंपनी जो हो जाएगी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट ईस्ट नाम से क्या होगा, एक अन्य कंपनी बन जाएगी। यानी एक पहली कंपनी जो मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग वाला था वह तो सबसे पहले था ही, जो ब्रिटिश कंपनी जिसको बाद में आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं वह तो था ही, उसके बाद आपको तीन और कंपनी बन जाएगी। पहले हमने देखा एक न्यू कंपनी बन गया, फिर हमने देखा जनरल कंपनी बन गया, फिर देखा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट बन गया। यानी अब भारत से अगर व्यापार कर रहा है तो वह केवल एक नहीं कंपनी कर रहा है बल्कि यहां पर तीन यानी चार कंपनियां कर रही है, न्यू कंपनी भी कर रही है, जनरल सोसाइटी कर रही है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट कर रही है। लेकिन हम लोग सीधा सीधा क्यों समझ लेते हैं कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसलिए समझ लेते हैं कि 1833 तक जाते जाते सभी कंपनियां मर्ज कर जाती है और फाइनल नाम जो हो जाता है उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है।
तो इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को हम नहीं समझते। ये सारी बातें समझने के स्तर पर है और यूपीएससी जिस प्रकार से अपने पॉइंट्स को ब्रेक कर रही है, मैं भी आपको ब्रेक करके समझा रहा हूं। ये घटनाक्रम हुआ था, ब्रिटिश कंपनी को ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और आगे कब के चलता क्या होता है, 1702 में, 1702 में क्या होता है कि 1702 में एक प्रस्ताव आता है कि सबको मिला दिया जाए, और 1708 में क्या हो जाएगा, सभी कंपनियां आपस में मिल जाती है। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि 1708 तक उपरोक्त सभी कंपनियों का विलय हो जाता है, सभी कंपनियों का आपस में विलय हो जाता है तथा एक नया नाम उभर कर सामने आता है जिसका क्या नाम होगा, इसी को हम कहते हैं फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको कहते हैं कि द यूनाइटेड, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। क्या कहेंगे, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडीज। इसी कंपनी को फाइनली क्या कहते हैं, यही कंपनी फाइनली क्या होता है, कंपनी अंततः अपने संक्षिप्त रूप ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में लोकप्रिय होती है। अब बातें आपको समझ में आई होंगी कि कंपनी क्यों बनता है, किस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया किसी भी कंपनी के निर्माण पर असर डालती है और उसे यहां पर उसकी संरचना को भी परिवर्तित करती है। वर्तमान में भी आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी का विलय होता रहता है। एक कंपनी आपने देखा होगा कि आप इस बात को समझिएगा कि जैसे आप देखते हैं खास करके टेलीकॉम सेक्टर में, आपने देखा आइडिया था, वोडाफोन था, दोनों मिल गया, एक नई कंपनी बन गई, वीआई कंपनी बन गई। तो इसी प्रकार से कंपनी के मर्जर चलते रहते हैं और यह एक नई अवधारणा को स्पष्ट करता रहता है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है या नहीं, जन्नत और फिरदौस बात करेंगे, यहां पर बताएंगे कि क्या सभी बातें क्लियर हो रही है, क्या सभी बातें समझ पा रहे हैं बच्चे। हाँ रुद्रा जी, बहुत बढ़िया, आपने सही इंफॉर्मेशन दिया। यहां पर क्या सारी बातें क्लियर हो रही है, सभी बातें समझ पा रहे हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर एक नई कंपनी स्थापित हो जाती है। आगे देखेंगे कि यहां पर एक और इसी दौरान घटना होती है कि पहली बार आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के साथ संघर्ष में उलझना पड़ता है। अभी कंपनी इतनी मजबूत नहीं है कि मुगल शासक को चुनौती दिया जा सके, क्योंकि वैसे भी अभी मुगल शासकों में सबसे जो एकदम से प्रसिद्ध शासक रहा है, क्या कहते हैं, सबसे प्रसिद्ध नहीं कहिए लेकिन बहुत मजबूत शासकों में से एक औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। जब इस कालखंड को देखेंगे तो यहां पर औरंगजेब को चुनौती देना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन यहां पर कंपनी ने एक दुस्साहस किया और औरंगजेब ने उसको खामियाजा भी दिखाया। यहां पर क्या होता है कि 1686 में ब्रिटिश कंपनी तथा मुगल सम्राट मुगलों के मध्य पहला संघर्ष होता है। अभी तक सभी बातें शांति से चल रही थी, संघर्ष होता है
मुगल शासक के बीच में यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला था, लेकिन ये दुर्भाग्य था कंपनी का, इसने मुगल शासक से भी पंगा ले लिया। पहला संघर्ष 1886 में होता है और 1886 में शासक कौन रहा होगा, यहाँ पर आपका रहा होगा औरंगजेब रहा होगा। और यहां पर क्या होता है, यह संघर्ष हुगली में होता है, मैं आगे लिखाऊंगा। 1686 में ब्रिटिश कंपनी तथा मुगलों के मध्य पहला संघर्ष होता है और यह संघर्ष हुगली में होता है। यह संघर्ष कहां होता है, यह संघर्ष हुगली में होता है। संघर्ष हुगली में होता है, हुगली कहां होगा, बंगाल, जहां पर कि आपको पहली फैक्ट्री बनता है, हुगली में होता है। अंत क्या होगा, होता है इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप, संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या होगा, स्वरूप यहां पर कंपनी से, कंपनी को हुगली से बाहर भगा दिया जाता है। हुगली से बाहर भगा दिया गया, बाहर भगा दिया गया। हालांकि आगे चलकर के माफी मांगा जाता है तो फिर यहां हुगली वापस भी कर दिया जाता है। हुआ क्या था कि कुछ धर्मांतरण के मुद्दे पर यहां पर मतभेद उत्पन्न हो गया था। पहले एक बार देखेंगे कि पुर्तगाली, हुगली में दो प्रकार के संघर्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। यह शब्द इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि प्रश्न पूछने का दायरा यहां से बनेगा। यहां पर देखेंगे कि मैं इसको बॉक्स बना देता हूं क्योंकि एक ही मैटर दो जगह आपको दिखाई देगा। पहला होगा हुगली में पुर्तगाल, पुर्तगाली तथा मुगल संघर्ष, मुगल संघर्ष, संघर्ष किसके काल में होगा, यह होगा आपका शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में होगा, काल में यहां पर होता है। दूसरा होगा, पहला हो गया और दूसरा हो गया हुगली में, इसी हुगली में यहां पर ब्रिटिश तथा, ब्रिटिश तथा मुगल संघर्ष जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका औरंगजेब के शासनकाल में। कहां हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के काल में हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब मैंने बॉक्स इसलिए बना दिया ताकि आप इसको विशेष तौर पर अलग अलग करके समझिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको यहीं पर उल्टा टांग देगा यूपीएससी और कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। यह भी मैं बार बार आपको समझाता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो फैक्ट्स लिखे गए हैं एज इट इज वही प्रश्न में पूछे जाए। एकदम से यह ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ाए जा रहे हैं एज इट इज यानी उसी रूप में नहीं पूछा जाता। इसलिए मैंने, मुझे आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं बोर्ड पर आपको लिख करके दिखाता हूं कि यही मैंने पढ़ाया था, यही मैंने, यही एग्जाम में पूछा, यह मैं कभी नहीं कर सकता। कारण यह है क्योंकि यह एक संयोग हो सकता है। मैं प्रयास करता हूं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊं तो ऑब्वियस है उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे। सेम रूप में क्वेश्चन आना नामुमकिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आता है यह महज एक संयोग होता है और मेरी योग्यता इसमें कुछ नहीं होती है। मेरी योग्यता इसमें यही है कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा सकूं। हुगली में पुर्तगाली तथा मुगल संघर्ष कब होता है, शाहजहां के काल में। हुगली में ब्रिटिश तथा मुगल संघर्ष औरंगजेब के काल में होता है। यहां पर 1686 में हम देखते हैं कि संघर्ष होता है, खदेड़ दिया जाता है। आगे चल करके हम क्या होता है कि यहां पर समझौता हो जाता है। 1691 में इसी दौरान आप देखेंगे जॉब चरनॉक ने, जॉब चरनॉक, चरनॉक कहते हैं, चरनॉक ने यहां पर सूतानाती में, सूतानाती में एक फैक्ट्री की स्थापना की, एक फैक्ट्री की स्थापना की। ध्यान रखिएगा अभी यह स्थापना की, जो कि आगे चलकर के कोलकाता शहर की स्थापना की सूचना देगा, अभी नहीं करेगा, वह तो 1699 में होगा। लेकिन यहां 1691 में जॉब चरनॉक ने क्या करता है, सूतानाती जैसे एक गांव में जाकर के एक फैक्ट्री की स्थापना करता है। और यहां पर देखेंगे इसी बदौलत क्या होता है कि 1698-99 में, इसको अलग से लिख देंगे, 1698-99 में क्या होता है, में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार, तत्कालीन सूबेदार कौन हो जाएंगे, सूबेदार हो जाते हैं अजीज मुस्सान हो जाएंगे। अजी मुस्सान, मुस्सान ने क्या किया, मुस्सान ने, अजी मुस्सान ने, अब मैं आगे लिख दूंगा, यहां पर जगह नहीं बचा है। 1698-99 में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजी मुस्सान ने क्या कर दिया, अजी मुस्सान ने यहां पर कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया और जिसकी वजह से यहां पर
अजी मुस्तान ने कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया, मैं आगे इसको लिखा देता हूं। 1698-99 में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजी मुस्तान ने एक आदेश पत्र दिया। अजी मुस्तान ने क्या किया, ने कंपनी को कर दीजिएगा, कंपनी को 1200 रुपये के बदले यहां पर क्या होता है, बदले यहां पर सूतानाती यहां पर आपको कोलकाता तथा गोविंदपुर जैसे गोविंदपुर ये तीनों मिल करके यहां पर कलकत्ता का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर कौन व्यक्ति हुआ करता था उसको भी जरा ध्यान में रखेंगे। यहां पर क्या होगा, 1200 रुपये के बदले यहां पर सूतानाती कोलकाता तथा यहां पर गोविंदपुरा क्षेत्र के प्रभावी, हाँ, कंपनी को 1200 रुपये के बदले सूतानाती कोलकाता तथा गोविंदपुरा भी लिख सकते हैं, गोविंदपुरा जैसे क्षेत्र हस्तांतरित करने के लिए वहां के प्रशासक वहां का प्रशासक कौन हुआ करता था, मुगलों का ही प्रशासक हुआ करता था, और वह हुआ करता था इब्राहिम खां को क्या होता है, इब्राहिम खां को आदेश देता है हस्तांतरित करने के लिए, इब्राहिम खां को आदेश को क्या होता है, को आदेश देता है, और अंततः क्या होता है, आदेश देता है। इसके बदौलत यह क्या होता है, यही आदेश आधुनिक कलकत्ता के उद्भव के लिए संभव होता है। कोलकाता नगर के उद्भव को संभव बनाता है, उद्भव के पृष्ठभूमि को तैयार करता है। यही क्या करता है, पृष्ठभूमि को तैयार करता है आधुनिक कलकत्ता नगर के स्थापना की पृष्ठभूमि को। आप इसको मत समझिएगा कि जैसे कि आपने देखा कि 1691 में भी सूतानाती में एक कंपनी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, लेकिन यहां पर जब तीनों हस्तांतरित हो जाता है, सूतानाती कोलकाता और गोविंदपुरा हस्तांतरित हो जाता है, तब जाकर के कलकत्ता नगर की नींव पड़ती है और यहां पर आपको आधुनिक कलकत्ता की पृष्ठभूमि बनाया जाता है, यहां पर क्या होता है, तैयार होता है। यहां पर आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कौन करता है, स्थापना जॉब चरनॉक द्वारा की जाती है, जिसने कि पहले गोविंदपुरा सूतानाती में जॉब चरनॉक द्वारा की जाती है। जैसे गेराल्ड अंग्यार को हमने देखा था बंबई की स्थापना से जुड़ा हुआ, उसी प्रकार से जॉब चरनॉक को भी आप देखेंगे कलकत्ता की स्थापना से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति होगा। यह सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, किस रूप में पूछा जाएगा यह बिल्कुल हमें आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप क्रमबद्धता का अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, तो आपको एनी हाउ किसी भी रूप में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आधुनिक कलकत्ता नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यहां पर जॉब चरनॉक के द्वारा की जाती है, और यहीं पर आगे फोर्ट विलियम का भी निर्माण किया जाता है। यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यह एक मौका है आपके लिए कि जब संपूर्णता में आप पढ़ सके, यही मौका है जब आप संपूर्णता में पढ़ पाएंगे, आगे चल करके यहां पर नहीं मौका मिलेगा आपको फिर से पढ़ने का, ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं यहां पर 1700 से लेकर के 1720 तक का दशक
2020 का दशक क्या कहता है, इस दौरान कंपनी की कौन कौन सी गतिविधि रही, ये हम लोग चलेंगे 1757 तक। अपने आप ये कहानी पूरी हो जाएगी क्योंकि 1757 के बाद हम लोग ब्रिटिश विस्तार को देखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रिटिश कंपनी की स्थापना को नहीं देखते, स्थापित हो गया है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ब्रिटिश विस्तार को देखेंगे, तो वह कंपनी और जो देशी रियासत है दोनों को साथ मिलाकर के पढ़ने से अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए हर्ष विजय जी बहुत बढ़िया, और यह लास्ट आपके लिए मौका होगा। यहां पर हमने देखा कि यहां पर 1700 में स्थापित क्या होता है, 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बनता है, प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, चार्ल्स आयर को बनाया जाएगा, कहीं मैं भूल तो नहीं कर रहा हूं। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, आयर को बनाया जाता है। ये सारे फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट के साथ ही आपके फैक्ट्स छुपे हुए हैं, उस फैक्ट्स को निकाल करके अगर चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, इसी अवसर पर कलकत्ता को मद्रास से पृथक कर एक नई प्रेसिडेंसी का दर्जा दे दिया जाता है। पहले हमने देखा मद्रास प्रेसिडेंसी स्थापित होता है, फिर हमने देखा बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया जाता है, यानी पहले तो ऐसे प्रेसिडेंसी जैसी व्यवस्था नहीं थी, अब जाकर के प्रेसिडेंसी जैसी व्यवस्था स्थापित हो गई। इस शब्द को याद रखिएगा क्योंकि प्रेसिडेंसी शब्द से ही प्रेसिडेंसी बैंक भी बना हुआ है, आगे चल करके आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ मद्रास है, बैंक ऑफ बंबई है, ये तीनों आपको प्रेसिडेंसी बैंक मिलेंगे, फिर इसका विलय इंपीरियल बैंक में हो जाएगा, फिर इंपीरियल बैंक को हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में तब्दील होते हुए देखेंगे। इसलिए प्रेसिडेंसी शब्द जो आता है सबसे पहले इसी काल में चर्चा में आता है, जब बंगाल को मद्रास से पृथक करके अलग दर्जा दे दिया जाता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक और घटना होती है इसी दशक में, दशक खत्म होने से 3 साल पहले 1717 ईस्वी में क्या होता है, यहां पर एक मैग्ना कार्टा मिलता है ब्रिटिश सरकार को एक मैग्ना कार्टा मिलता है। मैग्ना कार्टा मिलता है किसके द्वारा, मुगल का शासकों के द्वारा कहा जाता है मैग्ना कार्टा, यानी 1717 का ऐसे लिख देंगे 1717 का महाअधिकार पत्र, 1717 का क्या होगा, महाअधिकार पत्र जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1717 में किसके द्वारा दिया गया, तो इस समय जो शासक हुआ करता था वह हुआ करता था मुगल शासक किसके द्वारा दिया गया, मुगल शासक फर्रुख सियर के द्वारा यहां पर यह अधिकार पत्र दिया जाता है। किसे दिया जाता है, यह किस दूतमंडल यानी किस ब्रिटिश दूतमंडल को दिया जाता है, किस ब्रिटिश दूतमंडल को दिया जाता है, मंडल को दिया जाता है क्योंकि दिया जाता है यह इसलिए यहां पर जानकारी लेने की जरूरत होगी क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहां पर अलग से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए ऐसे दूतमंडल के बारे में आपको जानना जरूरी होगा। यह जो दूतमंडल होगा उसमें होगा एडवर्ड स्टीफेंसन होगा, याद रखिएगा इस चीज को क्योंकि कभी आपसे पूछ लेगा यही से क्वेश्चन, तो आपको शायद यहां बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, मैं अभी बोल देता हूं। यहां पर क्या होगा, यहां पर विलियम हैमिल्टन होगा। हैमिल्टन क्या था, यह चिकित्सक हुआ करता था
चिकित्सक हुआ करता था, यानी डॉक्टर हुआ करता था। यह भी सवाल अलग से पूछा जा सकता है कि जो फर्रुख सियर से मिला हुआ था ब्रिटिश दूत मंडल, उसमें से चिकित्सक कौन था, क्योंकि यही सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है कि जब एक जलोदर का रोग हो गया था, फोड़ा हो गया था, बहुत बड़ा घाव हो गया था फर्रुख सियर को, और भारत में चूंकि चिकित्सा पद्धति परंपरागत तरीके से है और वह नहीं क्योर हो पा रहा था, तो हैमिल्टन ने यहां पर उसको क्योर करने में मदद दी, जिसकी वजह से यहां पर बादशाह खुश हो गया था। यहां पर हैमिल्टन हो जाएगा तथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा ख्वाजा सेहुर्द हो जाएगा, तथा क्या हो जाएगा, तथा ख्वाजा सेहुर्द हो जाएगा, सेहुर्द हो जाएगा। सेहुर्द का मतलब है यहां क्या था, आर्मेनियाई, आर्मेनियाई नागरिक हुआ करता था, आर्मेनियाई दुभाषिया हुआ करता था, दुभाषिया यानी ये बातों को ट्रांसलेट करता था, ट्रांसलिटरेशन करने का काम यही करता था आपका आर्मेनियाई दुभाषिया जो था ख्वाजा सेहुर्द। ये तीनों मिलकर के आता है मुगल शासक के दरबार में, मुगल शासक हुआ करता है फर्रुख सियर, और इसमें क्या होता है, इससे प्रसन्न होकर के इस दूत मंडल को क्या होता है, यहां पर इस दूत मंडल को क्या होता है, मंडल को फर्रुख सियर के द्वारा क्या होता है, के द्वारा हैदराबाद बंगाल तथा सूरत में व्यापारिक सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में, सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में 3 आदेश पत्र दिया जाता है। ध्यान रखिएगा सभी बातों को, यह मौका है कि जब आप बेहतर तरीके से समझ पाए, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, इसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, इसके बाद किसी भी प्रकार के गाइड को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चाहें तो स्वाभाविक है यहां पर हो सकता है कि सभी फैक्ट्स नहीं आपको नजर आएंगे, जैसा कि आप सनसनीखेज फैक्ट्स को देखते हैं, इसकी वाइफ कौन थी, उसका बेटा कौन था, उसका पुत्र कौन था, उसका भतीजा कौन था, यह सब फैक्ट्स मैं नहीं लिखाता आपको, लेकिन मैं इतना आपको लिखा देता हूं कि अगर सारी बातें आप समझ लेते हैं तो आप उससे एलिमिनेट करके बहुत बेहतर तरीके से अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा गया कि 1717 का मैग्ना कार्टा यहां में मिलता है, कौन था, मुगल शासक फर्रुख सियर होता है, किस ब्रिटिश दूत मंडल को दिया जाता है, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सेहुर्द जैसे दूत मंडल को दिया जाता है, जिसमें कि दो तो ब्रिटिश अधिकारी है और एक आर्मेनियाई दुभाषिया है, दुभाषिया मतलब ट्रांसलिटरेशन करने वाला है, जो फारसी भाषा को अंग्रेजी में कर सके, अंग्रेजी भाषा को फारसी में समझा सके। इस दूत मंडल को फर्रुख सियर के द्वारा हैदराबाद बंगाल तथा सूरत में व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में 3 आदेश पत्र दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, 3 चार्टर या 3 आदेश पत्र दिया गया। पहला जो दिया गया वह बंगाल के संदर्भ में दिया गया, पहला कहां दिया गया, वह दिया गया बंगाल के संदर्भ, यहां पर संदर्भ में क्या दिया गया, संदर्भ में दिया गया कि 3000 रुपये के एक मुस्त भुगतान के बदले, यहां पर बदले बंगाल बिहार तथा ओडिशा में क्या होगा, ओडिशा में चुंगी मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी गई। ये कहां पर हो गया, व्यापार की सुविधा दे दी गई, और यह दिया गया आपको बिहार बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र में। दूसरा जो चार्टर दिया गया वहां पर केवल 3000 रुपये लेना था, यहां पर केवल 3000 रुपये देना था, और यहां पर एक और रेखा दी गई प्लस 38 गांव सुविधा, प्लस क्या होता है, प्लस कलकत्ता के समीप 38 गांव को खरीदने की इजाजत, गांव को खरीदने की क्या होती है, खरीदने की इजाजत मिल जाती है। दूसरा जो आदेश पत्र होगा थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूं ताकि दोनों मिल ना जाए। पहला हमने देखा कि 3000 के बदले बिहार बंगाल और
ओडिशा में आपको कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिल गई। कलकत्ता के समक्ष आपको 38 गांव खरीदने की सुविधा मिल गई। दूसरे में क्या होता है, दूसरे चार्टर में कहा गया कि बंबई के संदर्भ में दूसरा जो चार्टर दिया गया कि बंबई के टकसाल में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में प्रचलित करने की अनुमति दी गई। ये अनुमति कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यह चूंकि टोकन करेंसी था नहीं, यह तो सोने और चांदी के सिक्के थे। सोने के चांदी के सिक्के अगर शुद्ध हैं तो उसी भाव पर बाजार भाव पर बिकते हैं या बाजार भाव पर ही प्रचलित होते हैं। लेकिन यहां पर मुगलों ने शुरुआत में देखेंगे, जैसे मुगल काल आपको पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा कि मुगलों ने किसी को भी सिक्के जारी करने की अनुमति नहीं दी थी अपने राज्य क्षेत्र में। पहला ऐसा कंपनी हो जाता है विदेशी जिसके सिक्कों को प्रचलित करने की अनुमति दे दी जाती है। और तीसरा जो चार्टर होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर तीसरे फरमान के बदले क्या जाता है, तीसरा जो फरमान दिया जाता है वह सूरत के संदर्भ में होता है। तीसरा जो होगा वह हो जाता है सूरत के संदर्भ में। संदर्भ में क्या यहां पर आ गया, सूरत के संदर्भ में आ गया कि 10,000 रुपये के एक मुस्त भुगतान के बदले सूरत बंदरगाह से होने वाले समस्त आयात निर्यात को चुंगी मुक्त कर दिया गया। माना जाता है कि इस 1717 के फरमान ने कंपनी की स्थिति को ही परिवर्तित कर दिया। कंपनी अब सभी कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ हो जाती है और धीरे धीरे यह इतनी मजबूत हो जाती है कि मुगल शासक को भी पराजित कर पूरे भारत का साम्राज्य अपने पूरे भारत को हस्तगत कर लेता है। यह इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक मैग्ना कार्टा के समान कहते हैं, एक मैग्ना कार्टा के समान इसे माना गया है। इसके बाद कंपनी ने कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। यह इसके बाद क्या होगा, रहा है कि इसके पश्चात प्राप्त सुविधाओं की बदौलत क्या होता है, बदौलत कंपनी भारत के अन्य व्यापारिक कंपनियों को ना केवल चुनौती दे सकी, बल्कि क्या होता है, सफल रही, बल्कि देशी रियासतों पर भी प्रभाव स्थापित कर पाई। यहां पर क्या होता है, देशी रियासतों पर भी यह प्रभाव स्थापित करने में कामयाब रहती है। यह तीनों अधिकार पत्र क्या होता है, तीनों अधिकार पत्र इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण रहा है कि इसके पश्चात प्राप्त सुविधाओं की बदौलत कंपनी भारत के अन्य यूरोपीय कंपनियों को न केवल चुनौती देने में सफल रही, बल्कि देशी रियासतों पर भी प्रभाव स्थापित कर पाने में सफल रही, सक्षम रही, प्रभावी रही।
ये होता है कंपनी के विकास का इतिहास। इसके बाद का जो विकास का है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे देश भारत में ब्रिटिश विस्तार के साथ ही देख लेंगे, क्योंकि 1717 ईस्वी में हम देखेंगे कि बंगाल में मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र हो जाता है और उसके बाद फिर कंपनी के साथ एक अलग संबंधों की स्थापना हो जाती है, अलग प्रकार से संबंधों का यहां पर निर्माण होता है। इसको कहेंगे हम लोग द इंड कहेंगे, द इंड कहेंगे। और यहां पर आपसे अनुरोध होगा कि गुरुकुल बैच में जरूर जाएं, और गुरुकुल बैच में जाते हैं तो Y529 कोड को यहां पर, कोड को क्या करें, कोड को अप्लाई करें 77% ऑफ के लिए, ऑफ यहां पर मिल जाएगा, गुरुकुल बैच आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। केवल 12,000 से बिलो है 11,499 के आसपास का है। इसके बाद क्या होगा, आपको बेहतर तरीके से मौका मिल जाएगा पढ़ने का। YouTube पर तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैं भी यहां पढ़ाऊंगा, मैं भी वहां पढ़ाऊंगा, तो यहां पर आपको मदद मिल जाएगी। तो चलिए आज के क्लास को, क्या कोई दिक्कत हुई, क्या सभी बच्चे समझ पाए बातों को? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर इस रूप में पढ़ा जाए तो क्या ज्यादा मजेदार नहीं होगा? क्या सभी कॉम्प्लिकेशंस अपने आप सॉल्व नहीं होते चले जाएंगे? क्या हमें रट्टा मारने की जरूरत है? क्या रटना चाहिए किताबों को, नहीं रटना चाहिए? क्या अब अन्य किसी किताब को पढ़ेंगे तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि जो कुछ हो सकता था विश्लेषण और जो कुछ फैक्ट्स हो सकता था सब आपके इसी किताबों में शामिल हो गया है। कल मैं जब आऊंगा तो यहां पर कर्नाटका वॉर की चर्चा करूंगा, कर्नाटका वॉर नहीं, पहले मैं चर्चा करूंगा पीपीटी के माध्यम से फ्रेंच कंपनी कैसे स्थापित होती है, उसके बाद कर्नाटका वॉर को भी हम लोग समाप्त करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को यहां पर हिस्ट्री ऑप्शनल मनीष राठौर जी आप मैसेज कर दीजिएगा तो यहां पर ऑप्शनल राठौर के बारे में बात हो जाएगी। जल्दी ही आपका 1 तारीख से शुरू करने वाले हैं मनीष राठौर जी, 1 तारीख से आपका यूपीएससी अड्डा पर ही बात चल रही है और वहां पर मैं आपके ऑप्शनल को स्टार्ट करने वाला हूं, हिस्ट्री ऑप्शनल को, याद रखिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं, पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं अच्छे तरीके से। ऑप्शनल हिस्ट्री बहुत मजेदार रहेगा, मजेदार इन द सेंस होता है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि तकरीबन वही सभी बातें पढ़नी होंगी जो कि आप ऑलरेडी जीएस में पढ़ चुके होते हैं, हालांकि पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है लेकिन बात कमोबेश वही रहती है, तो आपको लगेगा कि वही बातें रिपीट हो रही है, उससे आपको जीएस में भी मदद मिल जाती है और ऑप्शनल भी आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है, तो ये बहुत खूबसूरती होती है इसको, ठीक है। बाय प्रवेश तिवारी जी, न्यूज बुलेटिन, चलिए बहुत थैंक्स। और मनीष राठौर जी, गुरुदत्त जी, रघु कुमार, चलिए सभी बच्चों के से इजाजत चाहूंगा, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।